अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और अपनी अमान में रखे। तो आज मैं बच्चों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ। तो आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा इन अ पैन। बहुत ही मज़े का बनता है और जल्दी से बन जाता है। तो जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा दें। तो हम देखते हैं ये कैसे बनता है। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसमें मैं सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी, 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी मैंने साइट पे आपको दे दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। अब हम दही शामिल करेंगे, योगर्ट 4 टेबल स्पून, पिज़्ज़ा बच्चों को बहुत पसंद होता है और अक्सर लोगों को ये इशू होता है कि ओवन नहीं होता तो पिज़्ज़ा कैसे बनाएं। तो आप लोग फ्राई पैन में पिज़्ज़ा बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनेगा। ये सारे स्पाइसेस हम ऐड करेंगे, टिक्का मसाला, गरम मसाला, काली मिर्च, नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च, इन सब चीज़ों की क्वांटिटी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये स्पाइसेस आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डालें, अगर आप कम लेना चाहते हैं तो आप कम डालें। इसके बाद हम लेमन जूस इसमें डालेंगे, फ्रेश लेमन जूस मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब स्कूल्स भी खुलने वाले हैं तो बच्चों के लंचेस का भी इशू होता है कि हर रोज़ बच्चों को कुछ ना कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। तो हम बच्चों को इस तरह की चीज़ें बना के दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये देखें, चिकन मैरिनेट हो गया है तो इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी। और ये जब तक मैं जो हूँ, पिज़्ज़ा डो हम तैयार कर लेंगे। ये मैंने नीम गर्म पानी लिया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून यीस्ट डाली है, खमीर, और 1/2 टेबल स्पून मैंने चीनी और शुगर डाली है। और इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि यीस्ट जो है वो राइज़ हो जाए और डिज़ोल्व हो जाए। इस समय पता चल जाएगा कि हमारी जो खमीर है वो सही है या नहीं, ताकि हमारा जो आगे का स्टेप है वो ख़राब ना हो। इसको हम रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। अगर ये राइज़ हो गई तो इसका मतलब खमीर बिल्कुल ठीक है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये राइज़ हुई हुई है और इसमें आपको ये बबल्स भी नज़र आ रहे हैं, झाग सी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये यीस्ट बिल्कुल ठीक है और हम इसको अब अपने पिज़्ज़े के लिए, डो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक डाला है, 1/3 कप ऑयल डाला है, मतलब 1 कप का 1/3 हिस्सा ऑयल डाला है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ऐसे लम्प्स बन जाएं इसके। अक्सर लोग, ख़वातीन को पिज़्ज़ा की डो का इशू होता है कि राइस नहीं करती, पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनता। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर आप फॉलो करें तो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा। और अब मैं इसमें अंडा शामिल करूंगी। 1 अंडा लिया है मैंने, बीट किया हुआ। मैंने मैदा चूंकि कम लिया है तो मैं पूरा अंडा नहीं डालूंगी, वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। और अब साथ ही जो हमने यीस्ट का मिक्सचर सॉल्यूशन सा बनाया हुआ था वो शामिल करेंगे और इसको हम गूंद लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएंगे। और इसको हम गूंद लेंगे अच्छे से कि हमने स्मूथ सी डो बनानी है, कि ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा पतली डो हो। देखिए, इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने शामिल करना है। अब पिज़्ज़ा की डो को हमेशा नीम गर्म पानी से गूंदना चाहिए। ये देखें, इसको मैं और अच्छे से गूंद लूँगी। अब इसमें अब थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे नीचे और इसको 2 से 3 मिनट तक गूंद के इसको मैं 2 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रख दूंगी किसी गर्म जगह पे। ताकि ये जो है राइज़ हो जाए अच्छे से। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
ये देखें रमतेला डो तैयार है, तो इसको हमें 2 से 3 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे हम रख देंगे राइज़ होने के लिए। 1 घंटे बाद जो है देखें राइज़ हुई है, तो इसको मैं फिर से गूंदूंगी अच्छे से। ये स्टेप यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इसका गूंदने से ये है कि वो और अच्छे राइज़ होगी। इसको हम फिर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये देखें चिकन भी मैरिनेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसको अब कुक कर लेते हैं। फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे हम। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें अब चिकन ऐड करेंगे। और इसको हमने हाई फ्लेम पे पकाना है। ताकि ये चिकन जो है वो उसका पानी भी ड्राई हो जाए और ये ड्राई जूसी सा हो चिकन। आपको मैंने पहले भी बताया है चिकन को जब भी फ्राई करें बनाएं तो हाई फ्लेम पे करें, इससे जो है वो अंदर से ड्राई नहीं होता चिकन और वो जूसी सा रहता है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पक रहा है। इसका हमने जो दही का पानी है इसको ड्राई करेंगे हम। खुशबू भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। इसमें मैंने टिक्का मसाला ऐड किया था, थोड़ा सा टिक्का फ्लेवर दे दिया है। आप जो चाहें फ्लेवर इसको देना चाहें अपनी मर्ज़ी से। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पक गया है, फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। उसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग की तरफ चलते हैं। ये मैंने थोड़ा सा मैदा जो है वो काउंटर पर छिड़क लिया है। देखें डो भी अल्हम्दुलिल्लाह राइज़ हो गई थी, इसको मैंने 2 में डिवाइड कर लिया था। इसको मैं हाथ की मदद से ही बड़ा करूँगी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह डो जो है सॉफ्ट सी है बिल्कुल, हाथों की मदद से ही ये बड़ी हो रही है। इसको हम रोटी की तरह थोड़ा सा कर लेंगे, ना बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए इसकी जो थिकनेस है, ना ही बहुत मोटी होनी चाहिए। दरमियानी जो है इसकी आपने थिकनेस रखनी है। ये देखें इसको मैंने हाथों की मदद से बेल लिया है। फ्राई पैन को मैंने ग्रीस कर लिया था, जिसमें हम इस रोटी को जो हमने मैदा की बनाई थी पिज़्ज़ा की डो को रखेंगे। इसको हाथों की मदद से है जो हम लोग बड़ा करेंगे, सारी साइड्स पे इसको फैला देंगे हम लोग। हर तरफ से जो है वो इक्वल होनी चाहिए ये। अब हम फोक की मदद से जो है इसमें होल्स करेंगे। ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है इसमें। अब हम इसमें केचप ऐड करेंगे, आप पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर, मेरे पास चूँकि पिज़्ज़ा सॉस नहीं थी इस टाइम पे तो मैं केचप ऐड कर रही हूँ, लेकिन दोनों चीज़ों का एक जैसा फ्लेवर आता है बिल्कुल। अच्छे से हम लोग इसको सारी साइड्स पे लगा देंगे। टॉपिंग आप लोग अपनी मर्ज़ी से करें, जितनी जैसी आपको पसंद है। चीज़ जो है हम थोड़ी सी डालेंगे इस पे। चीज़ जो है इस तरह से डालने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी हम ऊपर टॉपिंग करते हैं वो ग्रिप हो जाती है और वो जब आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो वो गिरती नहीं है टॉपिंग जो है, वो चीज़ जो है उनको पकड़ लेती है। हम चिकन जो हमने तैयार किया था वो हम इसमें डालेंगे। आप लोग इस तरह पिज़्ज़ा की डो को बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहें आप निकालें और उस पे जैसे मर्ज़ी टॉपिंग आप करके और बना सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं। ये देखें चिकन मैंने सारा इसमें डाल दिया है। अब हम अनियन डालेंगे, ये मैंने क्यूब्स में प्याज काट लिए थे, ये हम इसमें डालेंगे। मुझे चूँकि पिज़्ज़े में बहुत ज़्यादा टॉपिंग पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा कर रही हूँ।
और आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, मुझे इतना लाइक करते हैं, तो इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह आप मेरी वीडियोस को पसंद करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लाती रहूँ। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, ये भी मैंने क्यूब्स में काट ली थी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखते रहें। ये देखें, मैंने कैप्सिकम भी सारी डाल दी, कितना कलरफुल सा अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा लग रहा है। अब हम इसमें चीज़ से इसको बिल्कुल कवर कर देंगे, ज़्यादा सारी हम इसमें चीज़ डालेंगे क्योंकि पिज़्ज़ा जितना चीज़ी होता है उतना ही मज़े का लगता है। ये मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। देखें, चीज़ भी मैंने सारी डाल दी है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल इस कवर हो गया है ये। अब हम एंड पे जो है इसकी डेकोरेशन कर देंगे कैप्सिकम से। ये देखें कितना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कलरफुल सा पिज़्ज़ा लग रहा है। अब लास्ट में ये हम ऑलिव्स ऐड कर दूंगी, मैं ब्लैक ऑलिव्स यूज़ कर रही हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको जो है वो तवे पे रख देंगे, तवा मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे लो फ्लेम पे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार है 10 मिनट में। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने पैन में पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा दीजिए।